नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, आज का नया वीडियो शुरू कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा था जिसके अंदर हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ रहे थे आवेशन की विधियों के बारे में, अपने पढ़ रहे थे आवेशन की विधियाँ, और हम लोगों ने पढ़ लिया था घर्षण के द्वारा आवेशन। ठीक है, घर्षण के द्वारा आवेशन में हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी, उसी टेबल को अपने आगे बढ़ाते हैं। उस टेबल के अंदर आप लोगों ने देखा था कि कुछ इस प्रकार से मैंने लिखा था, एक साइड फर्स्ट और एक साइड सेकंड, इस साइड पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ था और इस साइड नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ था। ठीक है, कोई एक ले लेता हूँ उनमें से, जैसे कांच की छड़, और दूसरी तरफ था रेशम का कपड़ा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें दो तीन और भी लिखे हुए थे, जैसे बिल्ली की खाल वगैरह लिखा हुआ था, इस साइड एबोनेट वगैरह लिखा हुआ था, यहाँ पर ऊनी कपड़ा लिखा हुआ था। तो इस टेबल के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता था कि इस साइड तो पॉजिटिव आवेश है और इस साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है। तो इन दोनों को अगर अपने रगड़ें, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो किस पर पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव आएगा, तो आपको बिल्कुल इसी क्रम में इस टेबल को याद रखना है। ये टेबल जो वो काफ़ी छोटी टेबल दी गई, इसमें सिर्फ तीन दिए हैं और उनके साथ में नेगेटिव चार्ज वाले लिखे हुए हैं। रियल में ये टेबल जो है कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे इस प्रकार से इनको लिखा हुआ होता है, लगातार आगे चलती जाती है। इस टेबल में जो ऊपर आता है उस पर पॉजिटिव आता है और ऊपर वाले के जस्ट नीचे नेगेटिव आता है। जैसे यहाँ मैंने मान लो कोई एक लिख दिया, जैसे ये छड़ लिख दी कि ये क्या है, कांच की छड़ है और यहाँ पर रेशम का कपड़ा है। ठीक है, अगर इनको आपस में रगड़ा जाए तो जो ऊपर आता है उस पर पॉजिटिव आता है और जो नीचे आता है उस पर क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, जैसे यदि तीन को एक के साथ में रगड़ा जाए तो एक पर पॉजिटिव आएगा, तीन पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पाँच को एक के साथ रगड़ें तो इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा। पाँच को चार से रगड़ें इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा। यानी नीचे वाले को ऊपर वाले से रगड़ने पर जो इस सारणी में ऊपर होगा उस पर पॉजिटिव आएगा और जो सारणी में नीचे होगा उस पर नेगेटिव आएगा। तो इस प्रकार से अपने इस टेबल को बनाते हैं। तो इस टेबल का एक पार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आपको ये टेबल बिल्कुल इसी क्रम में याद रखनी है, क्योंकि वो टेबल तो है नहीं कि आप देख सको कौन ऊपर आता है कौन नीचे आता है, ये तो काफ़ी बड़ी टेबल होती है। आपको बस ये तीन नाम याद रखने हैं, इन पर पॉजिटिव आएगा और दूसरी साइड जो सभी है उन सब पर नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव की बात करें, एक कांच की छड़ था, एक बिल्ली की खाल था और यहाँ पर ऊनी कपड़ा लिखा हुआ था। देखो आगे मैं आपको बताता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि अपने जो प्लस टू की फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसके अंदर आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो प्लस टू की अपने फिजिक्स पढ़ते हैं इसमें आपको चैप्टर लगातार पढ़ने पड़ेंगे। शुरुआत के जो चैप्टर है एक से लेकर के दस तक, जो एक से दस तक के चैप्टर है इनको आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप बीच में से उठा करके दूसरा पढ़ना शुरू कर दो, पहला आपने पढ़ा ही नहीं है। तो ये चैप्टर जो है अपने आप में आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो इसके अंदर आप लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ोगे और विद्युत क्षेत्र पढ़ने के बाद में आप लोग गॉस का नियम पढ़ पाओगे और ये सब पढ़ने के बाद में आप विभव पढ़ पाओगे और विभव पढ़ने के बाद में आप लोग चौथा चैप्टर जो है वो संधारित्र का पढ़ पाओगे। शुरुआत के चार चैप्टर पढ़ने के बाद में आप लोग धारा के बारे में पढ़ पाओगे और इन सबको पढ़ने के बाद में सातवां चैप्टर पढ़ोगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। यानी जैसे सातवें चैप्टर की जब अपने बात करेंगे तो सातवें चैप्टर में इन चैप्टर की जो बेसिक बातें हैं वो सारी इसमें काम में आएगी। यानी यहाँ पर सिर्फ विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, जो धारा के द्वारा बना हुआ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो आप जो शुरुआत के चैप्टर पढ़ोगे यही चैप्टर जो आगे जा करके आपके लगातार जुड़ते जाएंगे। तो आप ये नहीं कर सकते कि सीधा आप लोग दूसरा पढ़ रहे हो, सीधा पाँचवा पढ़ रहे हो, सीधा छठा पढ़ रहे हो, आपको शुरुआत के जो चैप्टर है वो लगातार पढ़ने पड़ेंगे, जैसे एक दो तीन चार, फिर लगातार पढ़ करके आपको दसवें तक पहुँचना पड़ेगा। यानी जो चैप्टर्स है ये आपको लगातार इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये बारहवीं क्लास की फिजिक्स के बारे में कुछ एक बातें थी। नेक्स्ट देखो, आवेशन की एक विधि मैंने आपको बता दी थी, दूसरी विधि की अगर अपनी बात करें, आवेशन की दूसरी विधि होती है
सालन या अपने जिसे बोलते हैं स्पर्श द्वारा आवेशन, सालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। देखो पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे थे, पर यह अपने वस्तुओं को रगड़ना रगड़ना नहीं है, बस वस्तुओं को क्या करवाना है, एक दूसरे से स्पर्श करवाना है। ये तो आप जैसे ही देखोगे स्पर्श द्वारा आवेशन आपको पता चल जाएगा, इसका ये नाम याद रखना चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर अपने पास में कोई एक पहले से ही आवेशित वस्तु होती है और एक निरावेशित वस्तु होती है। जैसे ये कोई आपके पास में कोई एक गोला ए है और ये क्या है बी है, ये ए और बी दो गोले हैं, इनमें से एक मान लेते हैं आवेशित है और दूसरा मान लेते हैं अनावेशित है। ये मान लेते हैं अनावेशित है, ये मान लेते हैं आवेशित है। इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, जैसे ही अपने इसको चार्ज देंगे ये चार्ज इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही किसी चालक को आवेश दिया जाता है संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये अपने पास में एक आवेशित गोला है और ये एक अनावेशित गोला है। ये दोनों जो चित्र आपके सामने बने हुए हैं ये गोलों के बने हुए, एक जो गोला है उसको आवेश दिया गया और दूसरे को कोई आवेश नहीं दिया गया। ये कंडीशन मान लेते हैं अपने पास में क्या है फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में देखो अपने क्या करते हैं, सेकंड में अपने इस गोले को जैसे ये ए है ये बी है तो इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लेकर के आते हैं, इन दोनों को अपने क्या किया एक दूसरे के संपर्क में लेकर के आए, तो जो इस साइड धनावेश दिया गया है ये धनावेश जैसे ही आप लोग इसे टच करवाओगे ये धनावेश इस पर भी वितरित हो जाएगा। यानी दोनों गोलों पर किस प्रकार का आवेश आ जाएगा धनावेश आ जाएगा, तो एक समान रूप से दोनों में वितरित हो जाएगा। यानी ये जो चार्ज इसको अपने दे रखा था ये किस में चला जाएगा इसमें भी चला जाएगा और दोनों में समान रूप से क्या आ जाएगा आवेश आ जाएगा। ध्यान रखना इस विधि में समान प्रकार का आवेश आता है, जैसे ये धनात्मक है जैसे ही आप संपर्क करवाओगे इनको तो इसमें भी किस प्रकार का आवेश आएगा धनावेश आएगा, और जैसे ही आप लोग क्या करते हो इनको अलग करते हो तो दोनों गोले जो है ये सेकंड सिचुएशन मान लेते हैं तो दोनों पर क्या आ जाएगा आवेश आ जाएगा। जैसे एक ये हो गया एक ये हो गया, दोनों पर किस प्रकार का आवेश आ गया धनावेश आ गया। इस पर भी धनावेश है ए पर और बी पर भी क्या है धनावेश है, और दोनों को अपने क्या कर देते हैं दूर दूर रख देते हैं। तो इस प्रकार अपने इस विधि में क्या करते हैं चालन के द्वारा दूसरी वस्तु को आवेशित करते हैं। ठीक है, तो ये अपनी विधि है चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन। देखो एग्जाम के अंदर इनसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि इन विधियों का वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए शुरुआत के जो चैप्टर है उन चैप्टरों की यदि बात की जाए तो मैंने आपको पहले बताया था कि 1 से 4 तक के जो चैप्टर है वो कितने नंबर के हैं 7 नंबर के हैं। और जब भी आपका एग्ज़ाम का पेपर आता है तो इन 4 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो 4 नंबर का रहता है। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन जो कितने नंबर का रहता है 4 नंबर का रहता है। तो जैसे ही 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा पीछे नंबर कितने बचेंगे, पीछे बचेंगे 3 नंबर, और चैप्टर भी कितने बचे हैं 3 बचे हैं। तो इनमें से एक एक नंबर का क्या है बचा हुआ प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो नॉर्मली इसके अंदर एक नंबर का ही प्रश्न पूछा जाता है, तो इन विधियों के बारे में बहुत कम पूछता है। पर ध्यान रखना अगर पूछा जाए कि चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन क्या है, जैसे ही आप ये नाम पढ़ोगे स्पर्श द्वारा आवेशन आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी बात कर रहा है जिसमें दो गोलों का आपस में टच करवाना होता है। ध्यान ये रखना है कि इस विधि में समान प्रकार का आवेश आता है, जैसे ये गोला प्लस था तो यहाँ पर भी किस प्रकार का चार्ज आएगा प्लस आएगा। यानी अपने पास में ये एक ऐसी विधि है जिसके अंदर समान प्रकार का क्या होता है आवेश आता है। तो ये अपने चालन द्वारा आवेशन है। अपने आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो आवेशन की विधि आपकी दे रखी है वो विधि है प्रेरण द्वारा
आवेशन। देखो प्रेरण द्वारा आवेशन, यदि प्रेरण द्वारा आवेशन की बात करें तो ये एक इस प्रकार की विधि होती है जिसके अंदर वस्तुओं को संपर्क में नहीं लेकर के आना होता है। यानी पीछे अपने क्या कर रहे थे, जैसे ये ए ये बी है, दोनों को अपने क्या कर रहे थे, एक दूसरे के संपर्क में लेकर के आ रहे थे, परंतु इस विधि में ऐसा नहीं होता। इसमें एक को स्थिर रखते हैं, दूसरे को गति करवा के अपने इसके पास में लेकर के आते हैं। तो आपको सीधा बता रहे हैं कि प्रेरण विधि में क्या होता है, प्रेरण विधि में बिना वस्तुओं को संपर्क में लेकर के आए अपने क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जैसे ये मान लो एक गोला ए है, चालक गोला है, और आवेश जो है वो अभी तक नहीं है इस पर, यानी अनावेशित है ये। किस प्रकार का गोला है ये अनावेशित है, ठीक है। किस प्रकार का गोला है ये अनावेशित गोला है। अपने को क्या करना है, किसी एक चालक को इसके पास में लेकर के आना है। जैसे ये एक चालक छड़ है, इस चालक छड़ को क्या कर रहा हूँ, मैं इसके पास में लेकर के आ रहा हूँ। जैसे इस चालक छड़ को मैं पास में लेकर के आता हूँ, प्रेरण के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा, ये जो धनावेश है इसके विपरीत प्रकार का आवेश इसके पास वाली पृष्ठ पर आएगा। जैसे यहाँ पर किस प्रकार का आवेश आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई, देखो पीछे जो अपने पढ़ रहे थे उसके अंदर पॉजिटिव और पॉजिटिव आ रहा था दोनों पर इसमें पॉजिटिव लेकर के आ रहे हैं, और पास वाली छड़ पर किस प्रकार का चार्ज आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है। इसका भी एक कारण होता है, ऋणात्मक क्यों आता है, जो आप लोग आने वाले टाइम में जो 9 नंबर चैप्टर है जो प्रेरण के बारे में है उसके अंदर आप लोग पढ़ोगे डिटेल से कि ये क्यों आता है, इसके अंदर क्या हो रहा है। पर अभी सिर्फ विधियों के बारे में बता रहा है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि प्रेरण के अंदर जो है वो विपरीत प्रकार का आवेश आता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि यह वह विधि है जिसमें बिना संपर्क में लेकर के आए वस्तु को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, और विपरीत प्रकृति का इसमें आवेश जो है वो आता है। आगे देखते हैं, जैसे ही आप लोग इसे पास में लेकर के आए, इस पृष्ठ पर किस प्रकार का आवेश आया, ऋण आवेश आया। तो जो दूर का पृष्ठ है, जो दूर का पृष्ठ है उस पर किस प्रकार का चार्ज आएगा, धनावेश आएगा, ठीक है। इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, ये मान लेते हैं अपने पास में कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, ठीक। आगे देखो, इसी गोले को आगे बढ़ाते हैं, ये गोला है, यान नेगेटिव है, और यान जो है वो पॉजिटिव है, ये कुचालक है, और ये अपने क्या कर रहे हैं, चालक छड़ को लेकर के आए थे वही छड़ है ये। यहाँ आपको क्या करना है, ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ को आपको भूसंपर्कित कर देना है, यानी इसे किससे जोड़ देना है, पृथ्वी से जोड़ देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसे पृथ्वी से जोड़ोगे तो ये जो धनावेश है यहाँ से ये क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसे भूसंपर्कित करोगे, ये भूसंपर्कित करने का निशान होता है, पृथ्वी से जुड़ने का निशान होता है, तो जैसे ही आपने इसे भूसंपर्कित किया तो ये प्लस जो है इस भूसंपर्कित करने की वजह से क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ से निरस्त होगा, अपने पास में कुछ इस प्रकार का डायग्राम बचेगा पीछे, आपको ध्यान ये रखना है कि जब तक आप इसे पृथ्वी से जुड़े हुए रखो तब तक आपको, जब तक आप इसे पृथ्वी से जुड़े रखो तब तक आपको यहाँ से ये छड़ नहीं हटानी है। क्यों नहीं हटानी है, इसलिए नहीं हटानी है कि आपने इसे यदि हटा दिया तो ये आवेश जो है ऋणात्मक, ये इस प्लस के साथ में बंधा हुआ था, यदि आपने इस छड़ को हटा दिया तो ये ऋणावेश भी पृथ्वी से क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, और गोला फिर से अपना किस प्रकार से हो जाएगा, गोला अपना फिर से अनावेशित हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप इसे भूसंपर्कित रखो, यहाँ पर आपको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। अब अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट डायग्राम में इन दोनों को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ बना देता हूँ मैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, और ये ऋणावेश जो है संपूर्ण गोले में पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो ये अपना गोला क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो ये अपने पास में आवेशन की कौन सी विधि है, प्रेरण विधि, यानी प्रेरण के द्वारा यदि वस्तुओं को आवेशित करना हो तो अपने वस्तुओं को संपर्क में नहीं लेकर के आएंगे, इसे दूर से पास लेकर के आएंगे, एक पृष्ठ पर ऋणात्मक एक पर धनात्मक, जैसे ही भूसंपर्कित करेंगे यहाँ से प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बचेगा, भूसंपर्कित जो कि उसे और छड़ को हटाने पर इस प्रकार के अपने पास में क्या बचेगा, आवेशित गोला बचेगा। ये वही गोला है ये किस प्रकार का है, ये आवेशित है, ये अपने पास में क्या है, आवेशित चालक
गोला है। तो ये आवेशन की एक विधि है जो अपने पढ़ा है। एक बार फिर से सारी बातें मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, विद्युत दर्शी की ओर चलते हैं। ये आवेशन की विधियाँ जो है वो कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। अब तक जो आपने पढ़ा है फिर से बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो, एक तो आपको ये ध्यान रखना है आवेश किसे कहते हैं। अब तक जो पढ़ा है उसमें से आपको ये ध्यान रखना है आवेश किसे कहते हैं। आवेश वस्तुओं का एक गुण है जिसकी वजह से वस्तु में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो आवेश की अगर बात की जाए तो आवेश वस्तुओं का एक गुण है जिसकी वजह से वस्तु आकर्षण और प्रतिकर्षण दर्शाती है। इसके अलावा वस्तु के अंदर विद्युत और चुंबकीय प्रभाव जो है वो भी आवेश की वजह से ही प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक धनावेश एक ऋणावेश। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। हालांकि ऐसे नाम नहीं पूछे जाते एग्जाम में कि आवेश का वर्गीकरण किसने किया था, और फिर भी ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है, फ्रैंकलिन का। वैसे अपने आगे बात करने वाले हैं, पर आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो है वो फ्रैंकलिन होता है। आगे बात करेंगे अपने डिटेल में मात्रक की। और उसके बाद में हम लोगों ने आवेशन की विधियाँ पढ़ी थी। आवेशन की विधियाँ एक तो थी घर्षण वाली विधि, वस्तुओं को क्या करते हैं अपने आपस में रगड़ते हैं, एक पर प्लस आता है एक पर माइनस आता है, वो जो टेबल है वहाँ से एक नंबर का प्रश्न आ सकता है या फिर एक नंबर में पूछा जा सकता है। आवेश किसे कहते हैं, आवेशन की विधियाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो अपने विधियाँ पढ़ रहे हैं बस ये ध्यान रखना है कि किस पर पॉजिटिव आता है और किस पर नेगेटिव आता है। ज़्यादा टाइम इसी से प्रश्न पूछा जाता है टेबल से कि किस पर पॉजिटिव आता है और किस पर नेगेटिव आता है। स्पर्श विधि या चालन विधि थी, उसमें दोनों वस्तुओं को स्पर्श करवाते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, यानी समान प्रकार का चार्ज जो इसमें आता है। जो प्रेरण विधि है, प्रेरण के अंदर क्या हो रहा था, प्रेरण में विपरीत प्रकार का आवेश आ रहा है, जैसे ये प्लस है तो पास में जो छड़ लेकर के आएंगे उस पर किस प्रकार का आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं कि जो आवेश है, इस आवेश का यदि अपने को क्या करना हो, समसूचन करना हो या देखना हो कि ये प्लस है या माइनस है, या आवेश का क्या करना हो अपने, मापन करना हो, तो अपने पास में एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किस पर प्लस है और किस पर माइनस है, ठीक है, चार्ज है या नहीं है, इसका भी अपने क्या कर सकते हैं, उसकी सहायता से पता लगा सकते हैं। समसूचन करना, समसूचन का मतलब होता है ये इस बात का पता लगाना कि वहाँ पर आवेश है या नहीं है। किसी वस्तु को आपने क्या किया, आवेशित किया, अब वस्तु आवेशित है या नहीं है इसका पता लगाएंगे, उसे अपने क्या बोलते हैं, समसूचन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग करंट मापते हो, वोल्टेज मापते हो, जैसे ही आप कोई उपकरण लगा करके क्या करते हो, देखते हो कि इसके अंदर करंट है या नहीं है, वोल्टेज है या नहीं है, तो उसके लिए आप जो विधि काम में लेते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, समसूचन बोलते हैं। बात समझ में आई, समसूचन का क्या मतलब है, पता लगाना कि इसमें आवेश है या नहीं है। मापन का मतलब कितना धनावेश है कितना ऋणावेश है। तो अपने पास में इसके लिए एक विधि होती है, एक उपकरण है जिसका नाम है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। देखो अपने पास में एक उपकरण है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, उपकरण का नाम है सवर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इस उपकरण की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वस्तु जो है उस पर धनावेश है, ऋणावेश है, आवेशित है या नहीं है। देखो इस उपकरण में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से ये उपकरण होता है, इस प्रकार से एक जार होता है, ये अपने पास में कांच का एक जार है, जी ये क्या है, कांच का एक जार जी है, ठीक है। और यहाँ पर कोर्क लगा देते हैं और साथ में पहले एक छड़ लगा देते हैं, इस जगह एक धात्विक छड़ लगी हुई है, ये एक धात्विक डिस्क लगा दी यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर एक कोरक लगा देते हैं जिससे ये छड़ जो है वो कांच के जो बोतल है उसके संपर्क में ना आ पाए, कुचालक की तरह व्यवहार करेगी ये जो कोरक लगा रखा है। और ये अपने पास में क्या है, एक पहले इसे ले देता हूँ, ये कोरक है और ये जो अपने लगा रखी है ये क्या है, एक धात्विक छड़ है, धात्विक छड़ है, ठीक है। आर से लिख देता हूँ रोड, आर मतलब रोड, जी मतलब जार, ठीक है। ये कोरक है और ये डिस्क, धात्विक डिस्क लिख देता हूँ इससे, ये धात्विक डिस्क डी है। यहाँ से अपने को क्या करना है, जो भी अपने प्लस माइनस लेकर के आने वाले हैं यहाँ पर इसके टच करवा देंगे। यहाँ पर अपने दो सवर्ण पत्र लगा देते हैं, ये क्या है, दो सवर्ण पत्र है, एल से लिख देते हैं, ये क्या है, सवर्ण पत्र है। एल और एल दो सवर्ण पत्र है, ठीक है। पूरे उपकरण को अपने क्या कर देते हैं, इस जगह से पहले तो निर्वात भर देंगे बोतल के अंदर, ये जो जार है इसके अंदर, और यहाँ से अपने क्या कर देते हैं, इसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ भू संपर्कित, यहाँ से अपने इसे क्या कर दिया है, भू संपर्कित कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से ये धात्विक छड़, डिस्क डी, यहाँ पर कोरक लगा दिया, ये एक जार, ये एक धात्विक छड़ है और ये स्वर्ण पत्र एल है, और ये अपने भू संपर्कित किया है इसको, और पूरे उपकरण के अंदर अपने क्या भर देते हैं, निर्वात भर देते हैं। अब देखो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले अपने क्या करते हैं यहाँ को ये एक पहले से ज्ञात छड़ लेकर के आते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पता है यहाँ पर किस प्रकार का आवेश है, प्लस आवेश है, समझना एक बार इसे। मान लिया कि मेरे पास में किस प्रकार का आवेश है, धनावेश है, मैं इसे यहाँ पर टच करवाऊँगा और मेरे को इस बात का पता है कि इस पर धनावेश है, मैंने यहाँ इसे टच करवाया। जैसे ही मैंने टच करवाया इसे, जैसे मैं इसे टच करवाता हूँ तो ये धनावेश जो है एक समान रूप से कहाँ फैल जाएगा, इस छड़ में फैल जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि जैसे ही इसमें धनावेश आएगा ये थोड़ी अपनी स्थिति से हट करके दूर हो जाएगी। मान लेते हैं वर्तमान स्थिति, पहले ये यहाँ थी और वर्तमान स्थिति जो है वो टच करवाने के बाद की। यहाँ तक समझ में आया, आपने कुछ नहीं किया है, ये एक जार है, ठीक है, ये प्लस लेकर के, इसका अपने को पहले से पता है कि इस पर किस प्रकार का आवेश है, धनावेश है। जैसे ही टच करवाया है इस पर किस प्रकार का आवेश आ गया, धनावेश आ गया। इतनी बात सुन भाई, अब देखो अब अपने एक्सपेरिमेंट जो है उसे शुरू करते हैं। अब मैं एक छड़ लेकर के आता हूँ, यहाँ क्या करता हूँ, एक छड़ लेकर के आता हूँ जिसके बारे में अपने को नहीं पता कि ये प्लस की है या माइनस की, यानी ये प्लस की है या माइनस की, इस बात का अभी तक अपने को नहीं पता है। पर जो पहले अपने छड़ लेकर के आए थे वो प्लस की थी, इस बात का अपने को पता है कि ये किस प्रकार की है, प्लस की है। पर अब जो छड़ लेकर के आ रहे हैं वो कैसी है अपने को नहीं पता है। देखो क्या करते हैं, जैसे ही आप इसे टच करवाओगे, अगर ये धनावेश है, अगर ये किस प्रकार की छड़ है जिसके बारे में अपने को नहीं पता, अगर ये प्लस की छड़ है तो प्लस की छड़ होगी, तो जैसे ही मैं इसे यहाँ पर टच करवाऊँगा, तो करवाने के साथ में ही यहाँ पर धनावेश की मात्रा बढ़ेगी। यहाँ पर धनावेश की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर यहाँ धनावेश की मात्रा बढ़ेगी तो इनके बीच में दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी ये एक दूसरे को और ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगी और ये क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। देखो कुछ इस प्रकार से, मान लो अभी ये इस जगह है, ठीक है, अगर धनावेश की मात्रा बढ़ गई, जैसी मात्रा बढ़ेगी तो ये कुछ इस जगह आ जाएगी फिर, तो यानी फैल जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ धनावेश की मात्रा आपने क्या कर दी है, बढ़ा दिया। तो जैसे ही धनावेश बढ़ेगा इनके बीच में दूरियाँ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि अभी जो आप छड़ लेकर के आए थे जिसके बारे में आपको नहीं पता कि प्लस की है या माइनस की है, तो आप जो छड़ लेकर के आ रहे हो
इनके बीच में प्रतिकर्षण बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये छड़ भी उसी प्रकार की है जिस प्रकार की छड़ अपने पहले लेकर के आए थे। अपने को पहले बताया किस प्रकार की छड़ लेकर के आए थे, प्लस लेकर के आए थे। अब जो छड़ लेकर के आ रहे उसके लेकर के आने से इनके बीच में दूरियां बढ़ी, मतलब प्रतिकर्षण बढ़ा, पहले के समान जो आवेश है वही बढ़ा। और मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था कि समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण हुआ जिससे ये क्या हो गई, फैल गई। अगर ये चार्ज किस प्रकार का होता, माइनस का होता, किस प्रकार का होता, माइनस का होता, तो जैसे ही आप इसे टच करवाते तो यहाँ से कुछ एक प्लस आवेश को ये माइनस क्या कर देता, निरस्त कर देता। ठीक है, यहाँ प्लस की मात्रा क्या हो जाती, कम हो जाती। अगर प्लस की मात्रा कम होती, प्लस की मात्रा कम होने से उनके बीच में जो प्रतिकर्षण है वो क्या होता, कम होता। आकर्षण तो अब भी नहीं होगा, पर प्रतिकर्षण जो हो रहा है उससे प्रतिकर्षण थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो ये इस जगह थी ये थोड़ी सी कुड़ करके क्या हो जाएगी, इस जगह आ जाएगी। बात सुन में आई? यानी अगर समान प्रकार का आवेश आप लोग लेकर के आ रहे थे तो ये क्या हो रही थी, पहले की तुलना में फैल रही थी। अगर विपरीत प्रकृति का आवेश लेकर के आ रहे हो तो ये पहले की तुलना में क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अब जो अपने आवेश लेकर के आ रहे हैं ये किस प्रकार का है, पहले जो आवेश है उसकी तुलना में विपरीत प्रकार का है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट शुरू करना है। एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए आप क्या करोगे, एक ज्ञात छड़ को लेकर क्या होगे, जैसे आपको पता है इस पर किस प्रकार का आवेश है प्लस, आप इसे लेकर के आए, सप्रेस करवाया, ये इस जगह पहुंची। अब आप एक्सपेरिमेंट शुरू करोगे तो क्या करोगे, प्लस या माइनस आपको नहीं पता, आप कोई एक छड़ लेकर के आओगे, जैसे ये लेकर के आ गए जिस पर प्लस ही आवेश है, तो जैसे ही प्लस की लेकर के आओगे दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दूरी बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे से दूर हट जाएगी, यानी फैल जाएगी। अगर विपरीत प्रकृति का आवेश लेकर के आओगे तो ये क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इस प्रकार से आप पहले से ज्ञात के आधार पर बता सकते हो कि जो नई छड़ लेकर के आ रहे हो उस पर प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का, इसकी सहायता से आप लोग देख सकते हो कि किस पर प्लस आएगा और किस पर माइनस आएगा। ठीक है, एक आप ये जो वीडियो है इसको ढंग से देखना, और इसके पीछे जो मैंने वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने बताया है कि समान प्रकार के आवेश जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश जो है वो एक समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के जो आवेश है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार इसे फिर से देख लेना वीडियो को पीछे से, जिससे आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि किस प्रकार से वस्तुओं को आवेशित करना है। ठीक है, एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ज़रूरी नहीं है कि अभी से आप लोग इसे रटना शुरू कर दो, क्योंकि आप लोग 11वीं में जो पढ़ करके आए हो ये उससे थोड़ा अलग हट करके, अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो ये विद्युत चुंबकत्व के बारे में अपने पढ़ रहे हैं, ये जो अपने फिजिक्स पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत के बारे में अभी अपने शुरुआत में पढ़ रहे हैं, बाद में अपने चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप एक नई ब्रांच शुरू कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको इन सब के साथ में जुड़ने के लिए। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको कुछ नहीं करना, बस इन टॉपिक्स को 2-3 बार देखिए आप, पीछे वाली वीडियो को, इस वीडियो को, आने वाली वीडियोस को आप क्या करोगे, 2-3 बार देखोगे। जैसे ही आप लोग इन सब के साथ में जुड़ जाओ तब आप लोग इन्हें याद करना, नोट्स बनाना शुरू कर देना। बात सुन में, अभी आपको क्या करना है, अभी सिर्फ इन वीडियोस को देखना है, पीछे वाली वीडियोस को देखना है, जिससे क्या होगा कि आप लोग इस फिजिक्स के साथ में जुड़ जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि स्थिर विद्युत की जो अपने पढ़ रहे हैं इसमें किस प्रकार से चीज़ें बदलती है, धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किस प्रकार से इनके गुण होते हैं, इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। और आवेश के बारे में जो अपने शुरुआत में पढ़ा है ये सारे जो अपने 10 के 10 चैप्टर पढ़ने वाले हैं इन सब में काम में आएगा। जैसे शुरुआत में पढ़ रहे हैं तो शुरुआत में अपने बिंदुवत आवेश है, एक जगह रुका हुआ है, बाद में आवेश जो है वो गति करना शुरू कर देगा, फिर धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी, फिर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र साथ में आ जाएगी। इस प्रकार से अपने ये चैप्टर जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये अपना जो एक्सपेरिमेंट है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी है। ठीक है, हालांकि एग्जाम में इसके बारे में भी कभी नहीं पूछा गया है, पर फिर भी आप इसका डायग्राम याद रख लेना एक बार के लिए कि किस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है और किस प्रकार से ये काम करता है। तो ये अपना है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। इसके बाद में अपने आगे पढ़ने वाले आवेश के गुणों के बारे में। ठीक है, इसके बाद में जो अपने चैप्टर शुरू होने वाला है, इस चैप्टर के अंदर चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है। अब जो अपने पढ़ेंगे, जैसे आवेश के गुण पढ़ेंगे अपने, तो आवेश के जितने भी अपने गुण पढ़ेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट है, उनमें से एग्जाम में प्रश्न हर बार लगभग पूछा जाता है। जैसे आवेश का क्वांटीकरण है उसके बारे में, आवेश की निश्चरता का गुण है उसके बारे में ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अपने आवेश के मात्रक आ जाते हैं, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, आवेश की विमा, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत क्षेत्र अपने शुरू कर देंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है।
फिर भी आप लोग इनको भी एक बार ज़रूर पढ़ करके देख लेना, क्योंकि ये एक नई ब्रांच है फिजिक्स की जो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अभी आप सिर्फ वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में आने वाला है, आपको साथ में उनको भी पढ़ना है जिससे आपका बेसिक जो वो थोड़ा मजबूत हो, और आने वाले दिनों में जो आप लोग चैप्टर पढ़ने वाले हो उनके बारे में भी आपको कोई मुश्किल ना हो। जैसे बीच में अचानक से कोई ऐसी टर्म आ जाए जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा नहीं हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीछे आप लोगों ने पढ़ा है उन्हीं के साथ में जुड़ा हुआ ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपने वीडियो देखेंगे उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि अपने आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर